गुड मॉर्निंग एवरी वन, यू आर वेलकम टू ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस. आई एम योर एम बी टीचर, यू नो, एंड आई टीच यू टूडे वॉट योर एम बी बुक्स चैप्टर फोर. चैप्टर फोर, द वॉइस ऑल. द वॉइस आउल. यू ऑल आर नो आउल. व्हाट इज आउल? आउल इज ए बर्ड. आउल इज ए बर्ड. सो लेट्स स्टडी द चैप्टर द voice owl. The voice owl. Page number 21. You all are open. You all are open the page number 21. Yes, open. Let's start. Once upon a time, in a forest far away, there lived many animals. The tiger believed he was the king of the forest, and so every once in a while he shook the forest with a roar. So sab jante ho tiger ek kya hai? King hai. कहाँ का? टाइगर किंग है, जंगल का, फॉरेस्ट का. तो उसको भी ऐसा लग रहा था उस जंगल में, फॉरेस्ट में एक टाइगर था. उसको ऐसा लग रहा था कि वो भी क्या है, उस फॉरेस्ट का किंग है, उस फॉरेस्ट का किंग है. सो उसको भी ऐसा लग रहा था कि वो फॉरेस्ट का किंग है. और वो क्या करता था? जोर से चिल्लाता था. रोर मीन्स जोर से चिल्लाना. जोर से चिल्लाता था और जताता था कि मैं इस जंगल का किंग हूँ. Then what happened? The shook. Shook means sick. Sick means tharna. तो shook उसका past tense है. तो वो इतना जोर चिल्लाता था कि जंगल थर जाता था. Then the elephant would trumpet till the fruits on the trees quivered. Trumpet means musical instrument or musical sound. वो ऐसे trumpet ऐसे बजाता था जैसे कि quiver हो जाता था. Quiver means what? हिल जाना. Quiver means also set. Listen, look that blackboard. Quiver. Quiver means also set. Quiver means also set. तो क्या हो जाता था? वो क्या थर जाता था? हिल जाता था. क्या हिलता था? वो जंगल हिल जाता था. क्यों? वो जो trumpet, वो musical instrument में ऐसे ही करके bang बजाता था. कौन बजाता था? एलिफेंट. देन द मंकी चैटर नॉइसली एज ही प्लेड एंड मंच्ड. मंकी क्या करता था? चैटर. चैटर मतलब ऐसे 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 चपड़ 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 करता था. एज एंड मंच्ड. मंच्ड मींस व्हाट? च्यू. कुछ चबा के ऐसे चप 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 करता था. देन द हाइना गफ्ड वाचिंग हिम. गफ्ड मींस लाफ लाउडली. हाइना क्या करता था? लाफ, हंसता था. और वो जंगल को पूरा लाउडली नॉइस फुल कर देता था. देन इन द डेंस ग्रास द सिकाडा मेड ए डिन. सिकाडा मींस एन इंसेक्ट. वो क्या करता था? एक लार्ज वाला साउंड, एक लाउड साउंड करता था. तो सब वहाँ के जितने भी एनिमल थे, जितने भी बर्ड्स थे, जितने भी इंसेक्ट थे, सब क्या करते थे? वो साउंड करके नॉइज मेकिंग करते थे. कहाँ पे? फॉरेस्ट में. देन योर सेकंड पैराग्राफ, द फॉरेस्ट इको विद साउंड ऑनली. इको मीन्स पता है, जब आप एक खाली रूम में जाओगे और कुछ बोलोगे तो वो आवाज़ तुमको खुद को ही महसूस होगा. वो तुम्हारा आवाज़ तुमको ही महसूस होगा, तुमको ही सुनाई देगा. दैट इज कॉल्ड इको. ठीक है? तो वो सब क्या करते थे? अपने आवाज़ खुद बोलते थे और खुद सुनते थे. इको होता था. The only quiet spot was a hole in the mango tree where a wise old owl lived. फिर क्या होता था? वहाँ पे एक ही चुप रहता था. बर्ड या एनिमल जो भी, वो कौन है? आउल है. क्यों चुप रहता था? वो कहाँ रहता था और चुप रहता था? मैंगो ट्री में एक होल है. ठीक है? वो होल के अंदर वो चुप होके बैठता रहता था. देन वो उसका डटर को समझाता था कि सब चिल्ला रहे हैं, सब रोर कर रहे हैं, साउंड नॉइज मेकिंग कर रहे हैं, पर ये अच्छा नहीं है. मेरे जैसा शांत रहना अच्छा है. फिर एक दिन क्या हुआ? सनसेट हुआ. सनसेट के टाइम क्या होता है? सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं. एज द सन स्टार्टेड टू सेट ए लाउड क्राई वेंट अराउंड. जोर से चिल्लाए लेकिन उधर से एक बड़ा सा, मतलब भयानक सा एक साउंड आया, लाउड साउंड आया. क्या था? वेयर इज माई वॉच? वेयर इज माई वॉच? कौन चिल्ला रहा है ये वाला? इट वॉज द मंकी. मंकी का वॉच था. वो मंकी चिल्ला रहा था, वेयर इज माई वॉच? वेयर इज माई वॉच? मेरा वॉच कहाँ खो गया?
वो वॉच कहाँ से लाया था मंकी? सुनते हैं, लेट्स सी। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेयरिंग योर वॉच? आस्क द हॉग। हॉग क्या पूछा? तुम्हें कहाँ से वो मिला था क्या वॉच? देन कौन बोला? देन सिंस ही स्टोल इट फ्रॉम ए हाउस एट द एज ऑफ ए फॉरेस्ट, लाफ द हाइना। देन हाइना सैड, हाइना फिर बोला कि हाँ ये तो कहाँ से लिए थे इन लोग, ये जो चुराया था मंकी वॉच कहाँ से चुराया था? जंगल के पास में घर है, हाउस है, वहाँ से वो चुरा के लाया था। क्या चुरा के लाया था? एक वॉच चुरा के लाया था, ठीक है। देन द मंकी वॉच अपसेट, वो मंकी का वॉच घूम गया तो वो अपसेट होगा कि नहीं? आपका कुछ घूम जाता है तो आपको दुख लगता है कि? सो द मंकी वॉच अपसेट एंड सैड। व्हाट ही सैड? सी सैड एंड सी सैड विथ टीयर, रो रो के बोला, रोलिंग डाउन विथ चीक्स, मतलब गाल को, गाल को ऐसे 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 करके नीचे गिर के रोलिंग हो के रो रो के बोला। क्या बोला? व्हाट ही सैड? ही सैड दैट व्हाट? ही सैड दैट व्हाट? ही सैड दैट फाइंडर्स आर कीपर्स, फाइंडर्स आर कीपर्स, मतलब जो ढूंढ रहा है वही रखा है। मतलब उसका मतलब क्या था कि उसका मतलब था उधर के ही एनिमल और बर्ड्स वो वॉच को छुपाए हैं, तो वो बस ताना मारता था क्या बोल के, जो ढूंढ रहा है वही रखा है, मतलब तुम लोगों में से कोई एक रखा है। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा साउंड आया, बहुत एनिमल का बहुत ज़्यादा साउंड आया और कुछ ऊपर से नीचे एक से गिरा, धप होके गिरा। क्या गिरा? ए हॉर्स फेल ओवर द फॉरेस्ट, द होल लैंड इज रटर, स्टेप्ड आउट फास्ट, दे फाउंड देमसेल्व्स समथिंग टू ईट, देन दे सैट ऑन देयर फेवरेट ब्रांच, दे सैट देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ए साइलेंस। ए हॉर्स, हॉर्स मीन्स व्हाट? ए एन इंसेक्ट, हॉर्स मीन्स एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट ऊपर से ऐसे गिरा तो आउल और उसका डॉटर क्या किए, क्या गिरा बोल के उन लोग ढूंढने लग गए, ठीक है। और जब उनको पता नहीं चला, देख नहीं पाए, वो क्या किए, उधर ही बैठ गए। देन व्हेन द सन रोज अगेन द मंकी वोक अप टू ए सरप्राइज, जब फिर उसका अगला दिन हुआ, सन रोज हुआ, रोज मीन्स पास्ट टेंस ऑफ राइज, पास्ट टेंस ऑफ राइज इज कॉल्ड रोज। जब सन फिर निकला सुबह, उसके अगले दिन क्या हुआ, मंकी को एक सरप्राइज मिल गया। क्या सरप्राइज मिला? उसके आगे वो आउल खड़ा था और क्या किया था, उसका हाथ में क्या हो रहा था, एक वॉच, क्या हो रहा था, एक वॉच डैंगलिंग हो रहा था, डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, उसका हाथ में एक वॉच झूल रहा था। उसको देख के मंकी सरप्राइज हो गया और क्या बोला, डिड यू नॉट, वो मंकी क्या बोला, हाँ माई वॉच, मेरा वॉच तुम्हें कैसे मिला, वो पूछेगा कि नहीं वो मंकी? मंकी उसके बाद पूछा। देन आउल सैड वो बोला कहाँ से मिला? देन आउल सैड डिड यू नॉट टेल अस यस्टरडे, वो बोला था कि पहले दिन क्या बोला था, जो ढूंढ रहा है वही रखा है, फाइंडर्स आर कीपर्स, जो ढूंढ रहा है वही रखा है। तो उसको वो आउल बोला, तुम कल बोल रहे थे ना जो ढूंढ रहा है वही रखा है और मैं ढूंढा तो ये मेरा हो गया। यस, सो आउल सैड, रियली सैड द आउल, डिड यू नॉट टेल अस यस्टरडे द फाइंडर्स आर कीपर्स, सो आई फाउंड द वॉच, सो द वॉच आल्सो माइन, यस और नो? सो आउल बोला कि मैं ढूंढा हूँ तो ये मेरा है कि नहीं, बोला मंकी को। देन मंकी वॉज अपसेट, देन व्हाट हैपेंड, देन द एनिमल्स आल्सो गैदरिंग देयर, सब लोग चले आए, सब एनिमल, सब बर्ड्स उधर क्या हो रहा है देखने के लिए चले आए। देन आउल इज राइट सेड द एलिफेंट, द अदर्स नॉडेड इन एग्रीमेंट, द मंकी लुक्ड ओवर इट, फिर क्या हुआ, उसके आसपास जो एलिफेंट था, जो भी एनिमल था, वो लोग क्या बोले, हाँ तुम तो बोल रहे थे कल जो ढूंढा वो उसी का, तो ये उसका हो गया। बोलने के बाद मंकी क्या हुआ, ओरिड हो गया, ओरिड मीन्स चिंतित हो गया, वो सोचने लगा मैं क्या करूँगा, मेरा वॉच कैसे मुझे मिलेगा। देन क्या हुआ, ऑल रिटर्न द वॉच टू द मंकी, फिर वो मंकी को रिटर्न कर दिया आउल उसका वॉच। लेट मी रिटर्न योर वॉच सेड द आउल, बिकॉज फाइंडर आर नॉट कीपर्स, इफ आई वर यू आई वुड गो बैक टू द
ट्राई ये स्टोल इट फ्रॉम। फिर क्या बोला, आप जो बोल रहे हो आउल मंकी को बोल रहा है, आउल मंकी को बोल रहा है, तुम जो बोल रहे हो फाइंडर्स आर कीपर्स मीन्स जो ढूंढ रहे वही रखे हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर मैं इस जगह में होता तो मैं क्या करता, मुझे मैं जहाँ से चुराया हूँ वाच वहाँ लेके मैं जाके फिर रख देता उसी घर में। देन व्हाट हैपेंड, द मंकी नॉटेड बट टेल मी, फिर मंकी ऐसा से क्या, हाँ समझा समझने के जैसा ऐसा से क्या, नॉटेड मीन्स ऐसे मुंडी हिलाना, ठीक है ऐसा से क्या। देन ही सैड बट टेल मी आफ्टर हाउ डिड यू फाइंड द वॉच एंड व्हेन नॉन ऑफ अस कुड, फिर वो बोला आओल एक बात बताओ तुम्हें ये वॉच कहाँ मिला, हम इतना ढूंढे हमें मिला नहीं पर तुम्हें कहाँ मिला, तुम कहाँ से ये वॉच पा गए। देन द आउल टोल्ड यस हाउ आस्क द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो, फिर क्या हुआ सभी बर्ड्स और एनिमल्स भी पूरा मतलब जानने के लिए पूरा बेताब थे, वो लोग भी पूछे। देन द आउल सेड साइलेंट ऑल ऑफ यू टॉक सो मच, ऑल ऑफ यू टॉक सो मच, देन आउल सेड साइलेंट कीप साइलेंस, तुम सब बहुत बातें कर रहे हो, ऑल ऑफ यू टॉक सो मच लिसन, इंस्टेड ही साउंडेड द शॉन दैट द एनिमल्स बिकेम क्वाइट। सो घड़ी देखे हो, वॉच वॉच देखे हो, कभी कैसे होता है टिक टिक, जब पूरा साइलेंट होगा तभी देखना कैसे करता है वॉच टिक 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 ऐसे आवाज करता है। तो वो बोला तुम लोग जब साइलेंट हो गए थे तब ये टिक टिक करता है करता था, यस नो। तो उस उन लोग को समझाया कि ज़्यादा आवाज मत करो, ज़्यादा आवाज मत करो, ठीक है, क्योंकि जब सब साइलेंट होते हैं घड़ी और वॉच क्या करता है टिक टिक साउंड करता है। तो वो बोला कल रात जब सब सो गए थे, कल रात जब सब सो गए थे तभी मैं वहाँ बैठा था, मेरे कहाँ पे होल में, मैंगो होल ऑफ द मैंगो ट्री में मैं बैठा था और मुझे वहाँ से आवाज आया, क्या आवाज आया टिक टिक टिक, सब साइलेंट हो जाने से आवाज आया। तो मैं जाके देखा कि एक वॉच गिर पड़ा है, फिर मैं उसको उठा के ले आया। सो सिंस दैट डे आई हियर द एनिमल्स हैव लर्न टू टॉक लेस एंड लिसन मोर, दे नो नाउ दैट दे आर सो मच टू लर्न व्हेन यू कीप क्वाइट एंड लिसन। फिर क्या हुआ उसी दिन से सभी एनिमल्स मंकी एलिफेंट सब एनिमल्स सब बर्ड्स से गए कि हमको कम बात करना चाहिए, उस दिन से उन लोग बस बात कम करके दूसरे के बात ज़्यादा सुनते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोरी, व्हाट इज योर स्टोरी द वाइज ओल, व्हाट इज योर स्टोरी द वाइज ओल एंड व्हाट इज द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी, द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट टॉक मोर बट we should listen to others, we should listen to others. So what is the moral value of the story, we learn a lot from listening, yes or no. So ye good listener pay attention to what he or she hears, we should not keep things that belong to other. So the moral value at least at last the moral value of the story is we should not talk more but we should listen to others. हमको ज़्यादा बात नहीं करके चपड़ चपड़ नहीं करके शांत रहना चाहिए और दूसरों के बात सुनना चाहिए, तभी आप कुछ जज कर पाओगे, कुछ सीख पाओगे, कुछ समझ पाओगे, यस और नो। सो द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट टॉक मोर बट वी शुड लिसन टू अदर। सो दिस इज द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी एंड द स्टोरी इज कंप्लीट, देन यू कम टू द एक्सरसाइज, लेट्स वी डिस्कस समथिंग अबाउट द एक्सरसाइज पेज नंबर 24। Yes, and this is your hard word. These are your hard word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 are your hard words, and you just copy it in your note copy. And this is your moral value of the story. Also, your note. Yes. So, what is the first question? Did the forest have any quiet spot? Where was it? वहाँ पे कुछ शांत वाला जगह था क्या forest में? Yes. The quiet spot was.
nearest house. How did the owl find the wasp? The owl, कैसे वो वाज को ढूंढा? The owl find the wasp. कैसे ढूंढा वो? जब रात में सब सो गए थे, silent हो गया था. Yes. So in night there all the animals and birds are asleep and all the environment was silent. Then a tick 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 sound was come. Then the owl found the watch. Do you think finders are creepers? No, finders are not keepers. Then tick if true. अगर true है tick करना है. The forest watch noisy night and day. Forest रात में दिन में noisy होता था? दोनों में नहीं होता था? So हमको tick करना है, ठीक है? The forest was noisy night and day. Night और day दोनों में वो noisy था? नहीं, बस day में noisy होता था. So हम इसमें tick नहीं करेंगे. The all thought it was important to talk less and listen more. Yes, this is correct. The watch belonged to the monkey. Yes, वो watch monkey का था. Tick. The owl found the watch due to his sharp eyes. No. We can learn a lot if we keep quiet and listen. Okay, this is also right. So अगर हम चुप रहेंगे और सबको सुनेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. Yes or no? फिर ये find the noisy words. यहाँ से आपको noisy words find करके आपको क्या करना है? Circle करना है और round करना है. इधर है roar, trumpet, chat और ये सब words है. इसको ढूंढना है इधर. बहुत easy है. Then how good a listener are you? As a single from your teacher, stop talking and listen to the sound. Are you write down what you hear till the teacher signals you stop? It may easier if you shut your eyes. यहाँ पे लिखना है टीचर अगर आपको कुछ बोल रहे हैं आप कैसे उसको सुनते हो और करते हो. देन इसको एक गेम खेलना है, इसको आप पढ़ के कर सकते हो. ओके, बस इसको आप ये एक्सरसाइज को करना है अच्छे से. देन इसको घर में बैठे बैठे पढ़ के एंजॉय कर करके करना है. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 4 द वॉइस आवर एंड दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क्स. यू जस्ट नोट इन योर नोट कॉपी. यस, सो घर में रहो, अच्छे से रहो और घर में इसको एक्सरसाइज को ट्राई करो करने के लिए. ओके.